सीबीआई घमासान के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, आपने चिट्ठी लिखी है, नियम कायदों का हवाला दिया है, सीबीआई में जो बदलाव हुआ है सीबीआई एक्ट के मुताबिक नहीं है, क्या बड़े आरोप आपके? नहीं, पूरे आरोप जो है हम जो लेटर लिखे हैं उसकी कॉपी आपको ऑलरेडी दिए हैं, आप देख लीजिए। लेकिन हमका यही मुद्दा है कि जो सीबीआई एक्ट में उनको निकालने का कोई अधिकार प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, या उनको ट्रांसफर करने का भी अधिकार सीवीसी को या उनको नहीं है, तो जो कानून के तहत उनको अधिकार नहीं है, अगर उसका उपयोग करे वो किसी ढंग से किसी को, अब का उस उनमें तो उनको अधिकार नहीं, इसीलिए बोले अब क्या कर सकते, इसको तोड़ मोड़ के चलो इनको लीव पे भेजो, और लीव पे वो परमानेंटली भेजे जैसा, क्योंकि उनकी मंशा जो है और उनके जो इंटेंशन है इनको यहाँ से हटाने का ही है, उस इसीलिए वो भी कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने भी ये कहा है कि उनका स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इससे मालूम होती है कि खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी गवर्नमेंट हर इंस्टीट्यूशन में इंटरफेयर कर रही है, ये इसका नतीजा है। और जिस तरीके से कांग्रेस को क्यों लगता है राफेल डील इसके पीछे है, मेमोरेंडम का भी जिक्र किया है जो सीबीआई को सौंपा गया था, जांच होने वाली थी, क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है? आपको भी लगना चाहिए, जब बहुत से लोग जब जाए गए हैं और उनको मेमोरेंडम दिए हैं डायरेक्टर सीबीआई को, तो उसके लिए कागजात के लिए इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने जब ओरली आदेश दिया है, तो उसका डर जब उनको हुआ तब ये चल रहा है। धन्यवाद आप करने के लिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे को सीधे तौर पर लगता है कि जो सीबीआई में बदलाव हुआ है प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, और राफेल डील पर जांच होने वाली थी, लिहाजा इस पूरे मामले को यू टर्न दे दिया गया। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़।